Hello friends, this is Swapnil Mishra from Yours Only Pharma Tutor. In this video, I am going to discuss about extraction techniques like maceration, percolation and infusion. This video is going to be very important, so watch this till the end. So let's begin the discussion. So एक्सट्रैक्शन टेक्निक को समझने के लिए हमें पहले एक्सट्रैक्शन को समझना होगा. व्हाट इज़ एक्सट्रैक्शन? एक्सट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट द डिज़ायर्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स. यानी कि आपका फॉर एग्जांपल क्लोव है, क्लोव से आपको क्लोव ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है जो कि एक एसेंशियल ऑयल है. तो डिज़ायर्ड नेचुरल प्रोडक्ट क्या है आपका? क्लोव का ऑयल. रॉ मटीरियल क्या है? क्लोव. तो टू सेपरेट द क्लोव ऑयल फ्रॉम क्लोव इज़ एक्सट्रैक्शन. सो हम अपने क्रूड ड्रग से हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन मेथड, प्रेसिंग और सब्लिमेशन. तो मेन पर्पस क्या है एक्सट्रैक्शन का? ताकि हम क्रूड ड्रग से अपना जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें और जो वेस्ट मटीरियल है, जो इनर्ट मटीरियल जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसको हम एलिमिनेट कर दें. इसके लिए हम एक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं. ये सॉल्वेंट सेलेक्टिव सॉल्वेंट होता है जो कि स्पेसिफिक क्रूड ड्रग्स से हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है. इस सॉल्वेंट को हम मेंस्ट्रुम कहते हैं. So to understand extraction technique, we have to study some important terms like menstruum. Menstruum solvent है which is used for extraction technique. Mark. Mark वो material है जो कि extraction process के बाद बचता है, यानी कि जो हमारे लिए useful नहीं है. Extractives. Extractives concentrated preparations होती हैं vegetable और animal evaporation के बाद, या फिर किसी भी solvent का जो concentrated preparation है उसको हम extractives कहते हैं. Tinctures. टिंक्चर्स को हम अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस कहेंगे जो कि वेजिटेबल मटेरियल या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं. फॉर एग्जांपल बेलेडोना टिंक्चर. सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन विच आर मैसरेशन, पर्कोलेशन एंड इन्फ्यूजन. नाउ वी विल डिस्कस ईच प्रोसेस इन डिटेल. मैसरेशन. मैसरेशन टेक्निक में हम क्या करेंगे, हम प्लांट मटेरियल लेंगे, उसे हम क्रश कर लेंगे, नहीं तो हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे, या फिर अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में है तो हम मॉडरेटली कोर्स पाउडर लेंगे. उसे अब हम एक क्लोज वेसल में प्लेस करेंगे. नाउ वी विल ऐड सेलेक्टेड सॉल्वेंट दैट इज़ मेंस्ट्रुम. देन आफ्टर मिक्सिंग बोथ प्लांट मटीरियल एंड सॉल्वेंट वी विल अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 7 days. बीच बीच में हम उसे शेक करते रहेंगे. देन आफ्टर 7 days वी विल स्ट्रेन ऑफ द लिक्विड. जितना भी एक्सेस लिक्विड है हम उसको स्ट्रेन कर लेंगे. जो सॉलिड रेसिड्यू बचेगा, सॉलिड रेसिड्यू क्या होगा हमारा? मार्क. उसको हम प्रेस करेंगे ताकि जितना भी हमारा जो ऑक्लूडेड सॉल्यूशन है, जितना भी हमारा लिक्विड स्ट्रेन हुआ है, वो एक्सेस जितना भी है वो निकल जाए. बाद में जो हमने स्ट्रेन लिक्विड लिया है उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फिर हम उसको क्लैरिफाई कर लेंगे. कैसे? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से. बाद में हम उस सॉल्यूशन को, जो फिल्टर्ड सॉल्यूशन हमें मिला है, उसको हम अच्छे से इवैपोरेट करेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे. जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि हमने एक कंटेनर में हमारा प्लांट मटेरियल लिया, ये टाइटली क्लोज्ड है, इसमें हमने मेंस्ट्रुम ऐड किया, फिर हमने इसको अलाउ कर दिया टू स्टैंड फॉर 7 days. day 1, day 2, day 3 ओकेशनली हम शेक कर रहे हैं, स्टेर कर रहे हैं या फिर मिक्स कर रहे हैं. देन आफ्टर 7 days वी विल एक्सट्रैक्ट आउट दी मार्क. मार्क जो है, जो हमारा सॉलिड रेसिड्यू है वो अलग हो जाएगा और जो हमारा लिक्विड स्ट्रेन हुआ है वो एक्सट्रैक्ट जो हमारा मेन है वो अलग हो जाएगा. हम स्ट्रेन करने के लिए हम एक फ़िल्टर पेपर या किसी क्लॉथ का यूज़ करेंगे और फनल कोन का यूज़ करेंगे. अब जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसको हम क्लैरिफाई कर देंगे और फिल्टर कर देंगे, इवैपोरेट कर देंगे एंड फाइनली वी विल गेट आवर एक्सट्रैक्ट. नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ पर्कोलेटर. पर मीन्स थ्रू, कोलार मीन्स टू स्ट्रेन. आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट लेयर्स दी हुई हैं. फर्स्ट लेयर कंटेन्स मेंस्ट्रुम, सेकेंड वॉश्ड सैंड, थर्ड लेयर कंटेन्स फिल्टर पेपर, फोर्थ वन इज़ ड्रग आपका क्रूड ड्रग जिसमें से आप एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करेंगे. देन लास्ट इज़ ग्लास फूल. देयर इज़ अ टैप एट द एंड फ्रॉम विच योर एक्सट्रैक्ट गेट्स कलेक्टेड इन टू द वेसल. सो दिस इज़ हाउ आवर ड्रग एक्सट्रैक्ट passes through this column and gets collected into the vessel. सो नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ पर्कोलेशन. तो हम अपने यहाँ जो ड्रग है वो एक सूटेबल पाउडर फॉर्म में कलेक्ट करेंगे और उसमें हम अपना मेंस्ट्रुम ऐड करेंगे जो कि हमारा सूटेबल सॉल्वेंट है एंड विल अलाउ इट टू मॉइस्ट फॉर पीरियड ऑफ 4 आवर्स 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे. देन वी विल पैक इट इन अ पर्कोलेटर. पर्कोलेटर का डायग्राम अभी आपको दिखाया था. अब हम इसमें फिल्टर पेपर प्लेस करेंगे और क्लीन सैंड प्लेस करेंगे जैसे कि आपने लेयर्स देखी थी. अब ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारा जो ड्रग है उसकी जो टॉप लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो. अब हमने क्या किया, ड्रग की थी, फिर उसके बाद सैंड लिया, फिर फिल्टर पेपर लिया. देन अब हम टॉप पे मेंस्ट्रुम एक्स्ट्रा जो है वो और पोर कर देंगे ताकि हमारा जो ड्रग है वो इवनली और स्लोली सैचुरेट हो सके. अब नीचे जो आपने एक टैप देखा था हम उसको ओपन रखेंगे ताकि जितनी भी ऑक्लूडेड गैस हैं वो बाहर पास हो सके. वी विल ऐड सफिशिएंट मेंस्ट्रुम एंड मेंटेन अ स्मॉल लेयर अबव द ड्रग. अब हम इस जो हमने सेटअप बनाया है कॉलम का उसको हम 24 आवर्स के लिए ऐसे ही लीव कर देंगे. विल अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 24 आवर्स. नाउ आफ्टर मैसरेशन जो हम अपना आउटलेट यानी हमारा टैप है वो ओपन रखेंगे. सॉल्वेंट इज़ पर्कोलेटेड एट कंट्रोल रेट. क्या करेंगे, हम फ्रेश वॉल्यूम जो है हमारे सॉल्वेंट की मेंस्ट्रुम की वो हम ऐड करते रहेंगे. इससे क्या होगा कि जो 75% वॉल्यूम है फिनिश प्रोडक्ट की वो हम नीचे अपना जो बीकर है या कंटेनर है उसमें हम कलेक्ट कर लेंगे. मार्क को हम प्रेस कर देंगे, जो भी हमारा इनर्ट मटेरियल बचा है क्रूड ड्रग का उसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जितना भी उसमें रिमेनिंग हमारा लिक्विड एक्सट्रैक्ट है वो बाहर निकल जाए ताकि हम 80 to 90% जो फाइनल वॉल्यूम है लिक्विड एक्सट्रैक्ट की वो कलेक्ट कर लें. फाइनल वॉल्यूम इज़ एडजस्टेड विद calculated quantities of fresh menstruum. Then again we will do the process of evaporation. फिर concentrate करेंगे to get our final finished product. Now Soxhlet apparatus. This is the diagram of Soxhlet apparatus जो कि आपकी pharmacognosy lab में easily available होगा. So these are the different parts of this apparatus. There is an outlet for water in and water out. वाटर कंडेंसर इज देयर, साइफन, पोरस टिम्बल, सैम्पल प्लेस करने के लिए एक कंटेनर दिया हुआ है और फ्लास्क है एंड देयर इज़ अ हीट सोर्स. सो दिस अपैरेटस इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन थ्रू पर्कोलेशन. स्टेप्स फॉर सॉक्सलेट पर्कोलेशन. सॉक्सलेट पर्कोलेशन में आप अपना सॉलिड मटेरियल यानी कि क्रूड ड्रग थिम्बल में प्लेस करेंगे जो कि थिक फिल्टर पेपर का बना है. नाउ वी विल लोड द मेन ड्रग इनटू द सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर. सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर के मेन चैम्बर में जब आपने ड्रग लोड कर दिया है तो हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर को फ्लास्क से अटैच कर देंगे. अब फ्लास्क में क्या है, फ्लास्क में आपका एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट है. रिमेंबर, फ्लास्क में एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में आपका क्रूड ड्रग है. जो सॉक्सलेट है उसमें एक कंडेंसर लगा हुआ होता है तो हम क्या देखेंगे कि जब हमारे ड्रग में मेंस्ट्रुम का इम्बिबिशन हो गया है. इम्बिबिशन मीन्स जब हमारे ड्रग ने मेंस्ट्रुम जो हमारा सॉल्वेंट है, सूटेबल सॉल्वेंट है, उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, मॉइस्ट हो गया है, तो हम ध्यान देंगे कि हमारा जो एक्सट्रैक्टर है उसका कोई भी आउटलेट कहीं से ब्लॉक ना हो. सब पैकेजिंग हम एक बार अपना पूरा जो सेटअप है वो हम एक बार देख लेंगे. सो जब हमने सेटअप सारा देख लिया तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट जो फ्लास्क में है अब हम उसको बॉईल करेंगे. हीट सोर्स ऑन कर लेंगे, अपना बॉइलिंग पॉइंट पे उसको सॉल्वेंट को पहुंचाएंगे, वेपर्स फॉर्म होने लगेंगे. अब जो वेपर्स हैं जो कंडेंसर ऊपर लगा हुआ है उस पे पास होंगे तो राइट हैंड ट्यूब से पास होंगे, फिर वापस ड्रग पे जाएंगे, फिर कंडेंस होकर जो ड्रॉपलेट फॉर्म है वो वापस नीचे गिरेंगी. तो इस तरह से जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो चलता रहेगा. तो इस पर्कोलेशन प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट है वो नीचे कलेक्ट होता जाएगा. तो क्या होगा, इस पर्कोलेशन के टाइम में, पूरी प्रोसेस के टाइम में आपका जो ड्रग है उससे जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो फ्लास्क में धीरे धीरे कलेक्ट होता जाएगा, प्रोसेस होता जाएगा. सो इस टाइप के एक्सट्रैक्शन को हम शॉर्ट मैसरेशन सीरीज़ भी कहते हैं. नेक्स्ट इज़ इन्फ्यूजन टेक्निक. इन्फ्यूजन क्या है, इन्फ्यूजन डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हमारे क्रूड ड्रग्स का जो रेडिली सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो प्रेजेंट होता है. अब हम मेनली फ्रेश इन्फ्यूजन्स प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस से? मैसरेशन से। हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रूड ड्रग होता है उसको शॉर्ट पीरियड के लिए कोल्ड वाटर या बॉइलिंग वाटर में मैसरेट करवाते हैं, जैसे मैसरेशन प्रोसेस में हमने करा था, और फ्रेश इन्फ्यूजन्स हमको इससे मिलते हैं। अब जो इन्फ्यूजन्स हमें मिल रहे हैं तो हम इनका यूज़ कैसे करेंगे, हम इनको डाइल्यूट कर देते हैं, लाइक 1/10, तो 1:10 रेशियो में हम इसको, जो मेन कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन है उसका 1 वॉल्यूम हम 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर में डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। नाउ जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन्स है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम मॉडिफाइड पर्कोलेशन या फिर मैसरेशन प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन बनाते हैं। फर्दर हम उनको डाइल्यूट करते हैं वाटर में, ताकि जो उनकी पोटेंसी है और अरोमा है वो हमें फ्रेश इन्फ्यूजन में मिल सके। इन्फ्यूजन्स में एक प्रॉब्लम है कि ये फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ से अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से जब हम फ्रेश इन्फ्यूजन्स प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें विदिन 12 आवर्स कंज्यूम कर लेना चाहिए। नाउ विल डिस्कस मेथड्स टू प्रिपेयर फ्रेश इन्फ्यूजन। वी विल टेक कोर्सली पाउडर्ड ड्रग, वेरी फाइन पाउडर ड्रग शुड बी अवॉइडेड। अब हम इस ड्रग को सूटेबल वेसल में रखेंगे जिसमें एक लिड होगी। नाउ ऐड 50 ml कोल्ड वाटर। We'll allow this mixture to stand for 15 minutes. Then we will add 900 ml boiling water. Boiling water को add करके हम फिर से vessel को completely cover कर लेंगे tightly. Now we'll allow this to stand for 30 minutes. After 30 minutes what we'll do? We'll strain this mixture. हम इस mixture को फिर से छान लेंगे और जो volume है हमारे mixture की उसको make up कर लेंगे up to 1000 ml by adding water. वाटर ऐड करने के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फ्रेश इन्फ्यूजन इज़ रेडी। रिमेंबर कि जो आपका इन्फ्यूजन है उसकी एक्टिविटी पे बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग वाटर हम ऐड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे कोल्ड वाटर का यूज़ भी करते हैं। फ्रेश इन्फ्यूजन्स में बैक्टीरिया और फंगल की ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से हम हमेशा फ्रेश इन्फ्यूजन्स को स्मॉल क्वांटिटी में प्रिपेयर करते हैं और इसे जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डैंडेलियन लीफ इन्फ्यूजन एंड डिफरेंट फ्लेवर इन्फ्यूजन टीज आर यूज्ड नाउअडेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस तो पढ़ ली, लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ड्रग के लिए किस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ करना है। इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, कैरेक्टर ऑफ ड्रग। हमें ड्रग की फार्माकोग्नोसी की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि अगर ड्रग सॉफ्ट है तो हम मैसरेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, बट इफ़ द ड्रग इज़ हार्ड एंड टफ देन विल यूज़ पर्कोलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट फैक्टर इज़ थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ ड्रग। अगर हमारे ड्रग की हाई थेरेपेटिक वैल्यू है तो हमें मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, इस वजह से हम पर्कोलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बेलेडोना विल यूज़ पर्कोलेशन। कॉस्ट ऑफ ड्रग्स। कॉस्टली ड्रग्स के केस में भी हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए पर्कोलेशन का यूज़ करेंगे, जबकि हम चीप ड्रग्स के लिए मैसरेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। इन केस ऑफ थर्मोलेबाइल ड्रग्स यानी कि हीट सेंसिटिव ड्रग्स को हम मैसरेशन या फिर पर्कोलेशन मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस केस में हम किसी भी तरह के हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सॉल्वेंट। मैसरेशन प्रोसेस में हम वाटर को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, जबकि पर्कोलेशन प्रोसेस में हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। डाइल्यूट प्रोडक्ट्स जैसे कि टिंक्चर्स के लिए हम मैसरेशन और पर्कोलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे, इसके लिए अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेमी कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशंस जैसे कि आपके कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन्स हो गए, इनके लिए हम डबल और ट्रिपल मैसरेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। इन केस ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स, ड्राई एक्सट्रैक्ट्स और ड्राई एक्सट्रैक्ट्स विच आर कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशंस, इनके लिए हम पर्कोलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। So that's all for today's video. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फार्मा फ्रेंड्स. Don't forget to press the bell icon to never miss an update from Pharma Tutor.